Hello everyone, Assalamu Alaikum. This is Tahir Ali and you are watching YouTube channel Physics with Tahir. Today my topic is time dilations. You know that physics divided into two periods. Number one is a classical period and number second is a modern period. So we define time in classical physics and modern physics. According to classical physics, time is an absolute quantity. मीन्स कॉन्स्टेंट रहती है. टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, टाइम एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स टाइम इज नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी. मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक टाइम जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है. इट चेंज होती है. कब चेंज होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसका टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, टाइम डायलेशन का मतलब है टाइम का इंक्रीज होना. टाइम इंक्रीजेस, टाइम डायलेशन का मतलब है टाइम इंक्रीजेस, टाइम का इंक्रीज होना. ये है टाइम. अब टाइम डायलेशन, टाइम का इंक्रीज, टाइम कब इंक्रीज होता है? टाइम तब इंक्रीज होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे या अप्रॉक्सीमेटली टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे. तब ऑब्जेक्ट का, बॉडी का जो टाइम है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. इसको क्या कहते हैं? हम टाइम डायलेशन कहते हैं. आपने पढ़े होंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एक ऐसा फ्रेम जिसमें हम मेजरमेंट ले सकें उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. यहाँ पे हम दो फ्रेम लेते हैं. एक फ्रेम का नाम रखते हैं हम एस और दूसरे फ्रेम का हम नाम रखते हैं एस प्राइम. दो फ्रेम रखते हैं हम, ठीक है ना. और इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें एक वॉल क्लॉक रखा देते हैं जिसका टाइम जो है वो 3 है. ठीक है, इसमें भी एक हम वॉल क्लॉक लगा सकते हैं जिसमें जिसका टाइम भी क्या है, 3 है. ठीक है ना, 3 और. तो इसका चेंज जो होगा दोनों का, डेल्टा टी, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो 0 के बराबर हो जाएगा चेंज, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये दोनों किस में? दोनों रेस्ट में. जब ऑब्जेक्ट, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में होते हैं तो उसका टाइम डायलेट नहीं होता. टाइम क्या रहता है? टाइम एब्सोल्यूट रहता है, कांस्टेंट रहता है. तो दोनों का टाइम कांस्टेंट, तो इसका चेंज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. ठीक है ना. अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम इस एस प्राइम को वी वेलोसिटी से, किसे? वी वेलोसिटी से. वी वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? हाई वेलोसिटी. हाई वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? जो बराबर होती है किससे? सी के. सी क्या होती है? सी इसका स्पीड ऑफ लाइट. जो हाई वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी है. ठीक है, जब ये फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो इसका टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा. टाइम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टाइम डायलेशन कहते हैं. टाइम डायलेशन में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट इट्स टाइम गेट इंक्रीजेस. दिस इज नोन एज टाइम डायलेशन. ओके, अभी डेफिनेशन लिखते हैं टाइम डायलेशन की. व्हेन ऑब्जेक्ट moves with velocity, with speed या velocity of light, speed of light, its time gets increases called time dilation. टाइम डायलेशन, तो ये टाइम डायलेशन की डेफिनेशन है. जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसका टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. दो तरह के टाइम होते हैं इसमें. एक होता है प्रॉपर टाइम. प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम कब होता है? कि जब ऑब्जर्वर किस में हो? ऑब्जर्वर एट रेस्ट. ऑब्जर्वर रेस्ट में हो और वो टाइम टाइम को
ऑब्जर्वर रेस्ट में हो और वो मेजर करे टाइम इंटरवल को दो इवेंट के दरमियान में, उस टाइम को क्या कहते हैं? प्रॉपर टाइम, और उसको हम डिनोट करते हैं किसे? टी नॉट से। और दूसरा जो टाइम होता है वो होता है रिलेटिविस्टिक टाइम। रिलेटिविस्टिक टाइम क्या होता है कि जिसमें जो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर वो करता है मूव करता है किससे? वेलोसिटी ऑफ लाइट से। और जो टाइम मेजर करता है उस टाइम को क्या कहते हैं? रिलेटिविस्टिक टाइम कहते हैं। और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। तो ये रिलेटिविस्टिक टाइम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा टाइम जो है वो ग्रेटर है, टी या टी नॉट? टी नॉट जो है वो कौन सा टाइम है? प्रॉपर टाइम। और टी जो है वो क्या है? रिलेटिविस्टिक टाइम। प्रॉपर टाइम मतलब रेस्ट वाला टाइम सेम ही रहेगा। रिलेटिविस्टिक टाइम में क्या कह रहा है कि जब ऑब्जर्वर मूव करेगा तो इसका टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो टी हमेशा ग्रेटर होता है किससे? टी नॉट से। क्योंकि टी में ऑब्जेक्ट क्या करता है? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, उसका टाइम इंक्रीज हो जाता है। इसलिए टी जो है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है किससे? टी नॉट से। ओके, टाइम प्रोडक्ट्स को टाइम डायलेशन में समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव अ टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो रेस्ट में होता है, जिसकी एक्सलोरेशन 0 के बराबर होती है। यहाँ पे ट्विन ब्रदर हैं, दो ब्रदर हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उनकी एज यहाँ पे है दोनों की वो 10 ईयर। सपोज करते हैं इनकी एज यहाँ पे कितनी है? 10 ईयर है। अब इन दोनों ब्रदर में से एक ब्रदर को घूमने का शौक है, किसमें? स्पेस जाने में। स्पेस में जाने में इसका शौक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम है, इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर है, इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। तो ये 10 साल के बाद इधर आया, 10 साल और गुजर गए, प्लस कर देते हैं 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद ये वापस आता है। तो इसकी लाइफ जमीन पे किसकी? एस की। कौन सा फ्रेम? फ्रेम एस की लाइफ जो है वो कितनी हो गई? 10 प्लस 10 20 ईयर्स हो गई। जो फ्रेम एस प्राइम में था, फ्रेम एस प्राइम में जो था उसकी लाइफ, उसकी जो लाइफ जब ये वापस आया तो उसकी लाइफ जो है वो बराबर हो गई किसके? 13 ईयर्स के। ये क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि जब ये वी वेलोसिटी से मूव करता है तो इसकी लाइफ क्या हो जाती है? लाइफ स्लो हो जाती है, इसकी लाइफ स्लो हो जाती है, टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है ट्विन पैराडॉक्स। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में जाता है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसकी लाइफ टाइम क्या हो जाती है? कम हो जाती है, उसका टाइम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यही बात जो है वो टाइम डायलेशन में की गई है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसका उसकी जो उसका जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइम डायलेशन। अभी हम कुछ जो टाइम डायलेशन का जो फार्मूला है वो है टी इज इक्वल टू टी नॉट रेडिकल 1 माइनस v² / c². यहाँ पे दो तरह के टाइम है, एक जो टाइम है उसको हम कहते हैं टी, टी को कौन सा टाइम कहते हैं? रिलेटिविस्टिक टाइम। और टी नॉट को कौन सा टाइम कहते हैं? प्रॉपर टाइम। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? टी या टी नॉट? इन दोनों में से बड़ा जो है वो क्या है? टी नॉट। टी जो है वो क्या है? ग्रेटर है। जो वैल्यू होता है किसका? 1 माइनस v² / c², इसको कहते हैं लोरेंस, ठीक है, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें 1 माइनस v² / c² का जो वैल्यू होता है वो हमेशा लेस देन 1 के बराबर होता है।
किसके बराबर होता है, लेस देन वन के बराबर। तो ये सब चीजें जो है हम एमसीक्यूज में प्रूव करने वाले। तो टाइम डायलेशन का एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट जो है वो ये है कि इन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम डायलेशन द क्वांटिटी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज ऑलवेज ए ऑप्शन में है इक्वल टू जीरो, बी ऑप्शन में है ग्रेटर देन वन, सी ऑप्शन में है इक्वल टू वन एंड डी ऑप्शन में लेस देन वन। तो हम टाइम डायलेशन में हमने पढ़ा था कि जो क्वांटिटी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है वो हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 के बराबर होती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। नंबर सेकंड है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम इज ए ऑप्शन में है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, बी ऑप्शन में एब्सोल्यूट क्वांटिटी और सी ऑप्शन में है नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम जो है वो इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका राइट ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। ओके, एमसीक्यू नंबर थर्ड है स्पीड ऑफ लाइट वर इंफिनिटी देन मूविंग मास इज ए ऑप्शन में है इंफिनिटी, बी ऑप्शन में जीरो, सी ऑप्शन में एम नॉट, डी ऑप्शन में टू एम नॉट। तो स्पीड ऑफ लाइट वर इंफिनिटी मतलब सी जो है वो किसके बराबर है, सी इंफिनिटी के बराबर है। तो एम क्या होगा, अभी हम मास डायलेशन का फॉर्मूला एम इज इक्वल टू एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये एम नॉट सेम ही रखा हमने, रेडिकल वन माइनस वी स्क्वायर सेम रखा अपॉन सी कितना है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी अपॉन v, इन्फिनिटी अपॉन v जीरो माइनस। तो ये m किसके बराबर हो जाएगा, m इज इक्वल टू एम नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, इसका राइट ऑप्शन c जो है वो राइट ऑप्शन। नंबर फोर एमसीक्यूज, टाइम इज डायलेशन इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन विच टाइम डायलेशन जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या होता है कि टाइम इंक्रीज होता है, टाइम डिक्रीज होता है या सेम ही रहता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप खुद भी बता सकते हैं, इसका टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एग्जैक्ट टाइम कैन बी मेजर्ड इन, किस एग्जैक्ट टाइम जो है हम किस में मेजर कर सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में या स्टेशनरी फ्रेम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो स्टेशनरी फ्रेम में, हम इसको जो एग्जैक्ट लाइफ है, एग्जैक्ट जो टाइम है वो हम स्टेशनरी फ्रेम में मेजर करते हैं।